संजय दत्त हुए फिल्म वेलकम टू द जंगल से आउट। संजय दत्त ने बीच में ही छोड़ी अक्षय कुमार की फिल्म वेलकम टू द जंगल। इस साल के शुरुआत में फिरोज नाडियाडवाला और अक्षय कुमार ने अनाउंस की थी फिल्म वेलकम टू द जंगल विद अ हिलेरियस वीडियो। इस फिल्म में संजय दत्त भी की रोल में थे, लेकिन अब न्यूज आ रही है कि डेट इश्यूज और स्क्रिप्ट में हो रहे बार बार बदलावों की वजह से संजय दत्त ने इस फिल्म को छोड़ दिया है। सोर्सेस का कहना है संजय दत्त हैज साइटेड डेट इश्यूज फॉर हिज एग्जिट। ही हैज कन्वेड ऑल द इश्यूज टू हिज डियर फ्रेंड अक्षय, हु टुक द पॉइंट्स इनटू अकाउंट एंड होल्ड्स नो बैड ब्लड। संजय दत्त फेल्ट दैट द वेलकम टू द जंगल शूट वाज हैपनिंग इन एन अनप्लान्ड वे विद टू मेनी चेंजेस इन द स्क्रिप्ट डिस्टर्बिंग हिज डायरी ऑफ द शूट एंड हेंस हैज पार्टेड वेज। हालांकि यहां मेकर्स की एक परेशानी ये भी है कि संजय दत्त ने 15 दिन इस फिल्म के लिए शूट कर लिया है। अब फिल्म के मेकर्स को ये समझ नहीं आ रहा है कि वो संजय दत्त के शूट किए हुए पार्ट्स को रखे या फिर पूरी तरह से डिलीट कर दे। आई थिंक वो आपको ज्यादा बोल पाएंगे। हम लोग सब जैसे आप इंतजार कर रहे हैं वैसे मैं भी कर रहा हूं। इस पर सोर्सेस का कहना है संजय दत्त हैज शॉट फॉर सम फनी पोर्शंस ऑफ वेलकम टू द जंगल इन द फर्स्ट शेड्यूल एंड द मेकर्स आर टेम्प्टेड टू रिज्यूम इट एंड क्रेडिट संजय दत्त फॉर अ गेस्ट अपीयरेंस। एंड द सोर्स फर्दर एडेड दैट द टीम हैज कम अप विद अ वैकी आइडिया टू इंटीग्रेट इन द स्क्रीन प्ले फॉर संजू टू गो मिसिंग आफ्टर द इनिशियल फ्यू फ्रेम्स डॉट वेल। अब मेकर्स क्या डिसीजन लेते हैं ये फिलहाल कह पाना मुश्किल है। वही इस पूरी न्यूज पर फिल्म मेकर्स या संजय दत्त की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। आई थिंक वो आपको ज्यादा बोल पाएंगे। हम लोग सब जैसे आप इंतजार कर रहे हैं वैसे मैं भी कर रहा हूं। बात करें अगर इस फिल्म के बाकी स्टार कास्ट की तो इस फिल्म में अक्षय कुमार, परेश रावल, सुनील शेट्टी के साथ जैकलिन फर्नांडिस, दिशा पटानी, रवीना टंडन और लारा दत्ता नजर आएंगी एंड द मूवी विल रिलीज ड्यूरिंग द क्रिसमस 2024 पीरियड। अब देखना ये होगा कि संजय दत्त इस न्यूज़ पर कब अपनी चुप्पी तोड़ते हैं।